डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के प्रेसिडेंट या हम कहे फॉर्मर सीनियर कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आजाद अब वापस कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। सोर्सेज के हवाले से ये खबर है, जराए के हवाले से ये खबर है कि गुलाम नबी आजाद फिर से कांग्रेस में जा सकते हैं। और आपको बता दें कि आज से करीब 4 माह कबल गुलाम नबी आजाद ने अलविदा कहा था कांग्रेस पार्टी को, और गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस छोड़ने के बाद ही कांग्रेस में काफी सारी तब्दीलियां भी देखी गई थी, चाहे हम मैन कोर लीडरशिप की बात करें या फिर जो स्टेट लीडर्स थे उनकी बात करें, तो चेंजेस कहीं ना कहीं हर जगह देखी गई थी। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि गुलाम नबी आजाद और कांग्रेस पार्टी के बीच इस चीज को लेकर बातचीत जारी है कि शायद अब गुलाम नबी आजाद वापस कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। गुलाम नबी आजाद ने इसी साल करीब 52 साल बाद, यानी कि 52 साल तक कांग्रेस में रहने के बाद इस्तीफा दिया था, और उसके बाद अपनी नई पार्टी बनाई थी आज़ाद डेमोक्रेटिक पार्टी। और आपको ये भी बता दें यहाँ पर कि गुलाम नबी आज़ाद अकेला ऐसा कांग्रेस लीडर नहीं था जिसने इस्तीफा दिया था, बल्कि उनके साथ काफ़ी सारे ऐसे, अगर हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बात करें, जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की, तो काफ़ी सारे लीडरान ऐसे थे जिन्होंने उनके साथ ही इस्तीफा दिया था और फिर बाद में शमूलियत इख्तियार की थी डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी में, जो कि इसी साल अक्टूबर के महीने में गुलाम नबी आज़ाद की जानिब से बनाई गई थी। और फिलहाल अब ज़राए से एक खबर कि गुलाम नबी आज़ाद, जो कि फ़िलहाल डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के सरबरा हैं, प्रेसिडेंट हैं, फिर से कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि ना ही गुलाम नबी आज़ाद और ना ही कांग्रेस की जानिब से इन सब बातों की, इन सब जो रिपोर्ट्स हैं इनकी तस्दीक की गई हैं, लेकिन ज़राए के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि गुलाम नबी आज़ाद जो हैं आने वाले वक्त में अब कांग्रेस वापस ज्वाइन कर सकते हैं। देखते रहे तामिल इरशाद, आपको देते रहेंगे पल पल की खबर।